नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मेरे साथ है यामा की न्यू 2024 एरोक्स 155 और आज मैं इसकी माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ विथ पिलियन के साथ। तो आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि आप अगर पिलियन लेके इसको राइड पे निकले हो, लाइक आप सिटी में ट्रैफिक टू ट्रैफिक चला रहे हो या फिर आप हाईवे में इसको लेके राइड कर रहे हो, देन आपको ये स्कूटर विद पिलियन के साथ कितना माइलेज दे सकती है। और मैं इसको सिटी में भी चलाऊंगा, मतलब ट्रैफिक टू ट्रैफिक में भी इसको चलाने वाला हूँ, उसी के साथ साथ इसको मैं हाईवे में भी चलाने वाला हूँ। यहाँ पर यामा की जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो फीचर्स है ये हर टाइम के लिए ऑन रहेगा, क्योंकि इससे और भी थोड़ा बढ़िया माइलेज मेरे को मिल सकती है। जब भी ये ट्रैफिक पे रुकेगा ऑटोमेटिक ये इंजन को जो है कट ऑफ कर देती है, तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो फीचर्स है ये हमेशा के लिए ऑन रहेगा। बाकी आप क्या सोच रहे हो कितना माइलेज मेरे को मिल सकती है, आप जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैं इसको सेकेंड टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन पहले मतलब ये स्टडे मैं इसको माइलेज टेस्ट करने जब गया था, मैं एकदम ऊपर तक इसको फुल किया था, ये एकदम ऊपर तक इसको फुल किया था। आप भी कभी भी इसको ऊपर तक फुल मत कीजिएगा। ऊपर तक जब भी फुल किया तो पेट्रोल इसके कैनिस्टर में चला गया, उसके बाद ये स्टार्ट नहीं हो रहा था, जिसके वजह से वो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा मिस हो गया। आज जो है मैं सेकेंड अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ और इसको मैं सेकेंड जो आपको यहाँ पे दाग दिख रहा होगा, यहाँ पे एक दाग आपको दिख रहा होगा, देखिए ये सेकेंड जो लेवल है यहाँ पे, इतना तक मैं इसको फुल करने वाला हूँ। अभी पेट्रोल पंप पे जाने वाला हूँ और इसको लगभग 30 से 35 किलोमीटर के आसपास चलाने वाला हूँ। चला के दोबारा उसको वही सेकेंड लेवल तक फुल करने वाला हूँ। फुल करके आपको दिखाने वाला हूँ, कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ कि ये स्कूटर कितना माइलेज मेरे को दिया है सिटी प्लस हाईवे में। तो चलिए डायरेक्ट मिलते हैं एकदम पेट्रोल पंप पे और वहीं से वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ पेट्रोल पंप पे और चलिए इसको फुल करते हैं। ओके, ओके, तो दोस्तों मैं अभी हूँ पेट्रोल पंप पे और इसको मैं पूरी तरीके से जो है रिफ्यूल कर चुका हूँ। आपको जितना तक बोला है उतना तक ही जो है इसको मैं फुल कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकेंड जो लाइन है उतना तक इसको फुल कर चुका हूँ मैं, और लास्ट में मैं इतना तक ही जो है इसको दोबारा रिफ्यूल करूँगा। लगभग 40 से 45 किलोमीटर के आसपास जो इसको चलाने वाला हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं ट्रिप मीटर को भी जो है रीसेट कर चुका हूँ। ये देखिए एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे आपको 0.0 शो कर रहा है। ओडोमीटर आप पहले चेक कर लीजिए, 379 किलोमीटर। ओके, ट्रिप वन को मैं 0 कर चुका हूँ एंड ट्रिप टू मीटर को भी जो है मैं 0 कर चुका हूँ। अभी मैं ट्रिप वन और ट्रिप टू से ही जो है इसको कैलकुलेट करूँगा। मैं इसको पूरी तरीके से जो है 40 से 45 किलोमीटर के आसपास चलाने वाला हूँ, उसके बाद जो इसको रिफ्यूल करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये स्कूटर लगभग फुल टैंक टू फुल टैंक कितना माइलेज दे पाती है सिटी में प्लस हाईवे में। तो चलिए डायरेक्ट मिलते हैं आप लोगों से गोपड़ों में। ओके, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की माइलेज टेस्ट की जर्नी। अभी मैं लगभग 3 किलोमीटर के आसपास जो है इसको सिटी में चलाने वाला हूँ, उसके बाद जो है मैं हाईवे में इसको चलाने वाला हूँ, उसके बाद दोबारा इसको लगभग 15 से 20 किलोमीटर के आसपास इसको दोबारा सिटी में चला के इसी पेट्रोल पम्प से इसको दोबारा रिफ्यूल करने वाला हूँ। ओके, तो अभी चलिए 3 किलोमीटर के आसपास जो इसको सिटी में चलाते हैं और मैं विथ पिलियन के साथ इस माइलेज टेस्ट को जो है अटेम्प्ट करता हूँ और आप लोगों को एक कर्दफली आइडिया मिल जाएगा ये स्कूटर कितना माइलेज दे सकती है। और बीच बीच में लगभग 5 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये स्कूटर कितना किलोमीटर चली है, उसी के साथ साथ आपको इस मीटर कंसोल में कितना एवरेज शो कर रही है, तो हर एक डिटेल्स जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और इसको मैं आप ही की तरफ चलाने वाला हूँ, मतलब जहाँ पे मेरे को ओवरटेक करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं इसको हार्ड थ्रॉटल करूँगा और नॉर्मल टाइम जो है इसको मैं 60-70 के स्पीड पे जो है क्रूज़ करने वाला हूँ हाईवे में। और ये मैं सिटी रोड को कर रहा हूँ बाय बाय। यहाँ पे देखिए 0.3 किलोमीटर मैं इसको राइड कर चुका हूँ। तो ये हम लोग चढ़ चुके एकदम प्रॉपर हाईवे में और इधर जा रहा है खड़गपुर, राइट साइड में दिल्ली रोड मतलब आपका डानकुनी वाला रोड। ये हम लोग चढ़ चुके हैं ओल्ड दिल्ली रोड पे। अभी ओल्ड दिल्ली रोड का कंडीशन जो है बहुत बढ़िया है, बहुत स्मूथ रोड है और इस रोड पे आई थिंक मेरे को माइलेज भी काफ़ी तगड़ा मिलेगा। और ट्रिप वन चल चुकी है, ये देखिए 10 किलोमीटर
प्रॉपर 10 किलोमीटर अभी ये चल चुकी है। और माइलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे माइलेज शो कर रही है 43.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज अभी मीटर शो कर रही है। अगर ये माइलेज मिलती है तो भाई साहब एरोक्स गजब की माइलेज देती है। मैं लगभग 70-75 के आसपास जो इस रोड पे चलाने वाला हूँ। ये जब भी 6000 RPM क्रॉस करती है इसकी VVA जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो हम लोग अभी हाईवे को जो है छोड़ रहे हैं और टूअर्स बढ़ रहे हैं सीरमपुर की तरफ, मतलब GT रोड की तरफ। तो यहाँ से मेरे को लेना है राइट टर्न। ये मैं राइट टर्न ले लिया और ये लगभग चल चुकी है 20 किलोमीटर के आसपास। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20 किलोमीटर ये चल चुकी है। और अभी अगर माइलेज की बात करें तो मीटर पे माइलेज शो कर रही है यहाँ पे 45.8 किलोमीटर पर लीटर। आई साहब गजब की माइलेज शो कर रही है। अभी देखना पड़ेगा ये कितना माइलेज दिया है। अभी सिटी में भी चलाएंगे, सिटी में लगभग इसको और 20 किलोमीटर के आसपास चलाने वाले हैं। ये हम लोग आ गए सीरमपुर में और सीरमपुर का रोथ फेमस है। आपको पता होगा पूरी का जैसा रोथ फेमस है और सीरमपुर का भी रोथ फेमस है। तो यहाँ पे एकदम रोड की बीचों बीच यहाँ पे रोथ खड़ी हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। चालीस किलोमीटर ये स्कूटर चल चुकी है और यहाँ पे वही पेट्रोल पंप पे मैं आ चुका हूँ जहाँ से इसको सुबह रिफ्यूल किए थे। ओके अच्छा यही दाग पर्यंत देवे। हाँ यही दाग पर्यंत। ओके 1.01 लीटर। ओके तो दोस्तों फाइनली मैं इसको रिफ्यूल कर चुका हूँ। यहाँ पे कितना पेट्रोल आया है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये वही पेट्रोल पंप है जहाँ से सुबह मैं पेट्रोल भराया था, HP का पेट्रोल पंप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कितना किलोमीटर चलिए आप देख लीजिए, 40.2 किलोमीटर ट्रिप वन में शो करता है और सेम आपको ट्रिप टू में भी आपको 40.2 किलोमीटर जो है वो शो कर रहा है। ओके उसी के साथ साथ यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है ये यहाँ पे शो करता है 42.1 किलोमीटर पर लीटर की यहाँ पे मीटर पे शो करता है। और टोटल ओडोमीटर है आपकी 420 किलोमीटर जो है यहाँ पे टोटल ओडोमीटर में चल चुकी है। और यहाँ पे कितना फ्यूल आया है, 1.01 लीटर की फ्यूल जो है इसमें आया है। इसमें मेरे से एक गलती हुई है वो मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। सुबह में मैं आपको वो सेकेंड वाला लाइन दिखाया था, एकदम जो नीचे जो सेकेंड वाला लाइन है उस सेकेंड वाला लाइन तक सुबह मैं इसको रिफ्यूल किया था। बट अभी जो है इसमें पूरा ऊपर तक फुल कर चुका हूँ, जिससे लगभग 50 ml के आसपास आई थिंक इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल आया है सुबह वाले से। तो मेरे को कितना माइलेज मिला है वो अभी एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और 1.01 लीटर और इसको डिवाइड करना है मेरे को 40.2 किलोमीटर से। ओके तो एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसका हिसाब। ये देखिए स्कूटर चल चुकी है 40.2 किलोमीटर। ओके ये 40.2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई आपका 1.01 लीटर। ये देखिए 39.80, मतलब ऑलमोस्ट 40 का माइलेज मिला है। वो भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा फ्यूल इसमें भरवाया हूँ तो लगभग मेरे को ये स्कूटर 41 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है माइलेज दिया है। यहाँ पे शो कर रहा है 40 किलोमीटर पर लीटर की, बट मीटर में जो शो कर रहा है ना 42 किलोमीटर पर लीटर की, ऑलमोस्ट ये एक्यूरेट शो कर रहा है, ऑलमोस्ट ये एक्यूरेट माइलेज शो कर रहा है मीटर पे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 42.1 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज शो कर रहा है। और इसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्यूल भराया हूँ जिसके वजह से मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है 39. मेरा हिसाब पे यहाँ पे आया है 39.80 किलोमीटर पर लीटर की, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को 40 का माइलेज यहाँ पे शो करता है। बट मैं अगर वो सेकेंड लाइन तक भरवाता तो ऑलमोस्ट मेरे को 41 तक जो है ये माइलेज शो करता। तो अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ ये लगभग मेरे को 41 का माइलेज इजीली दिया है विथ पिलियन के साथ। एंड इसको मैं हार्ड थ्रॉटल भी किया हूँ। जब भी आप हार्ड थ्रॉटल करते हो तभी इसकी VVA जाके एक्टिवेट हो जाती है। VVA के कारण जब भी इसमें VVA एक्टिवेट होती है तब इसका माइलेज जो है
थोड़ा सा कम मिलती है। और ओवरऑल देखा जाए तो एक 155 सीसी स्कूटर होने के बावजूद ये काफ़ी अच्छी माइलेज मेरे को दिया है, और आई थिंक इंटॉर्क से तो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया माइलेज मेरे को दिया है, वो भी एक स्मूथ इंजन के साथ, VVA जैसी टेक्नोलॉजीज़ में है, लिक्विड कूल इंजन है, और काफ़ी अच्छी तरीके से विदाउट एनी वाइब्रेशन मैं उसको 70-75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है क्रूज़ कर रहा था। तो डेफिनेटली दोस्तों 2024 में आपको अगर एरोक्स 155 लेना है और इसको लेके आप अगर लॉन्ग टूरिंग वगैरह करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टूरिंग कर सकते हो। हाईवे में इजीली ये स्कूटर आपको 45 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इजीली दे सकती है, आप अगर नॉर्मल 70-75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर इसको लेकर राइड करते हो विद पिलियन के साथ। बट सिटी में ये आराम से आपको 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है डेफिनेटली हर एक सिचुएशन में निकल के दे सकती है। बट ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो फीचर्स है ये हमेशा के लिए ऑन था, ये आपका ऑन रहना चाहिए। बाकी दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको अगर एरोक्स की और भी वीडियो देखना है, इसकी राइड रिव्यू, इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट, इसकी टॉप स्पीड वाला वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अब जरूर जाके इसकी फुल डिटेल वीडियो जो है चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।